गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये जो UHV-2 है, UHV-2 में हमें किन किन टॉपिक्स कैसे कोर्स में, क्योंकि एग्जाम आपके पास आ गए हैं, तो जो मेन टॉपिक्स हैं और जो आपका कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं। तो लेट अस कम टू द यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट इज इट इज रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू विच थिंग्स। इंट्रोडक्शन में हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट हम UHV-2 पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिटेल। ठीक है, डिटेल्स क्या है। UHV-2 का मीन्स क्या है कि जो पेपर का नाम तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यू ह्यूमन बीइंग एज कम्प्रीहेंसिवली इस टाइप से है, लेकिन जो शॉर्ट में हम समझते हैं वो UHV-2 है। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन है, यूनिट वन है, वो इंट्रोडक्शन टू द प्रीवियस थिंग्स विच वी स्टडीड इन द सेकेंड ईयर कोर्स, बीटेक सेकेंड ईयर कोर्स। तो उसमें UHV-1 कहा जाता है और ये UHV-2 है। अब दोनों ही चीजों को हमें कंपेरेटिवली समझना होगा थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट इन द अंडर द यूनिट वन। तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें बेसिक क्या है, कुछ चीजें बेसिक चलते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गोल ऑफ UHV-2 एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा गया है, तो गोल क्या है। तो आपको पीपीटी जो है लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा, पीपीटी का लिंक, लेकिन अभी आपको गोल शॉर्ट में किस तरह से समझना है। तो इसमें शॉर्ट में सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन बीइंग। एक तो ये गोल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल्फ है या आई है ये सेंट्रल टू ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहेंगे इसको, सॉरी इसको ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, नॉट ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, जो मानव के का पृथ्वी पे पाया जाना है, एग्जिस्ट करना है, वो सेल्फ के माध्यम से है। सेल्फ की जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस प्रकृति में पॉसिबल करती हैं, दैट इज सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट सेल्फ इज द सेंटर टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक, फिर दूसरा है कोएग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू एग्जिस्टेंस। देखिए, जो भी एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में, अस्तित्व में जो भी चीज है एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो कोएग्जिस्टेंस के रूप में पाई जा रही है। तो कोएग्जिस्टेंस इज द सेंटर। किस तरह से, क्योंकि जो भी चीजें पाई जा रही हैं वो एक सिस्टम के तहत पाई जा रही हैं, एक व्यवस्था के तहत पाई जा रही है, और वो व्यवस्था है सह अस्तित्व, साथ में पाया जाना, हार्मोनी व्यवस्थित ढंग से पाया जाना। तो ये साथ में पाया जाना जो है वो समय से, बहुत समय से चल रहा है, और क्योंकि नेचर जो है वो डायनेमिक है, समय के साथ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इसलिए को एग्जिस्ट टेंस में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर रेंज में होने चाहिए जिसकी वजह से जो एग्जिस्टेंस है चीजों का पाया जाना है
वो एक उनके गुणों के आधार पे सही रूप से उनके गुणों को बिना डिस्टर्ब किए पाया जाना होगा। तो ये होता है सह अस्तित्व साथ में पाया जाना, जैसे एयर वाटर सॉयल सभी चीजें, प्लांट एनिमल्स, एक तरह से इकोसिस्टम। आप शॉर्ट में सोचिए कि इकोसिस्टम में सारी चीजें पाई जा रही हैं, तो साथ में पाया जाना है वो एग्जिस्टेंस, साथ में पाया जाना होगा को एग्जिस्टेंस। ठीक, फिर इसके बाद है जब इसको डिटेल में फिर अंडरस्टैंडिंग। चलिए यहां पे से ये पॉइंट क्लियर हो गया आई हो तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द कोएग्जिस्टेंस। जो चीजें पाई जा रही हैं उसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से, और साथ में विथ हैविंग फीलिंग्स, उनके लिए भाव भी हो कि साथ एंड थॉट्स। तो हमें समझना है वहां पे क्या था, पाया जाना है, चीजें पाई जा रही है, ऐसा देख पा रहे हैं, अब देख पा रहे हैं, लेकिन और डिटेल में जब तक नहीं समझेंगे तब तक को एग्जिस्टेंस को के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और उसमें व्यवस्थित ढंग से नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हमें समझना होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि किस तरह से चीजें साथ में पाई जा रही है, उसमें इनपुट हमें देखना है कि अपने हमारे फीलिंग्स भी हों, थॉट्स भी, हमारे विचार और भाव होंगे सह अस्तित्व को समझने के लिए। तो भाव और विचार से क्या होगा कि आपके जो जीवन में जो सह अस्तित्व की भावना है, साथ में पाए जाने की भावना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ, एक तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में फीलिंग्स और बिहेवियर भी आता है, तो वो सारी चीजें आपके साथ में होंगी तो आप बेटर जो है समझ पाएंगे कि चीजें कैसे साथ में पाई जा रही है। अब इसको जब समझ गए तो साथ में एंड एंड लिव अकॉर्डिंगली, दैट इज इन हार्मोनी विथ ऑल लेवल्स। तो ऑल लेवल्स, जैसा कि पता है कि हम सारी व्यवस्था, चार लेवल की व्यवस्था होती है, स्वयं की, समाज की, प्रकृति की, तो चारों लेवल की व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में जीना। तो जो चीजें साथ में पाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति में भी पाई जा रही हैं, समाज में भी पाई जा रही हैं, और साथ में प्रकृति लेवल्स के नाम लिखते हैं, डिटेल में चलते हैं। लेवल्स क्या है, इंडिविजुअल और फैमिली, सोसाइटी, नेचर या एग्जिस्टेंस। ठीक, तो ये चारों लेवल की व्यवस्थाओं, जो जो चीजें भी, जितनी भी चीजें पाई जा रही है वो चार लेवल में इसको डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हमें जो जीना है वो चार लेवल पे जीना है, तो इनको संस्कृति को ध्यान रखते हुए चारों चरणों में की व्यवस्था को समझते हुए जीना है। तो उसमें एक तरह से इसका जो गोल ऑफ UHV2 है उसमें कहीं ना कहीं चारों लेवल की व्यवस्थाओं को भी समझना है, सह अस्तित्व को समझना है, साथ में चारों लेवल में चीजें किस तरह से को एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जीने का एक सिस्टम, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्त करना है, जो भी हम अपने कार्य कर रहे हैं उसमें निरंतर सुख हमें मिले। तो जीवन में निरंतर सुख तभी है जब हम चारों लेवल, जो भी हमारा जीना है, जितने भी चरण है, स्वयं में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में, वहां वहां हम
व्यवस्था को समझते हुए व्यवस्थित तरह से जिए, ठीक, जो व्यवस्था सही हो। तो इस तरह से एक शॉर्ट है कि आप गोल ऑफ यूएचवी टू आपको आइडिया लग गया। थैंक यू।